नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर में, ठीक है। पोस्ट जो है वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या मांगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कब क्या इसकी आखिरी डेट है और कितनी इसकी फ़ीस है, अभी आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। और इसका जो वर्किंग होगा वो इंग्लिश में होगा, इसलिए जेपीए इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट जो है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और इंग्लिश का है, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन का डेट जो शुरू होगा वो 26/8/2019 से स्टार्टिंग है, ठीक है। यानी कि 26/8/2019 से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो आपका 16/9 है, यानी कि 16/9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ 16/9, ठीक है। तो 16/9/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस भरने की जो डेट है वो 17/9/2019 है। जी हाँ दोस्तों, 17/9/2019 तक आप एग्ज़ाम फीस पे कर सकते हैं इसका, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट अभी नोटिफाई नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा, ये भी अभी नोटिफाई नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जेपी की जो फीस है ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपये दोस्तों, ठीक है। 650 रुपये जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, और ओबीसी एनसीएल है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी वाले हैं उसके लिए 550 रुपये की फ़ीस रखी हुई है, और एसटी एससी और पीएच वालों के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी हुई है दोस्तों, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना है, ठीक है, ऑनलाइन ही फीस इसकी पेमेंट होगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 69 है, ठीक है। सभी कैटेगरी वालों को मिला करके 69 पोस्ट है। तो एक बात देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो एलिजिबिलिटी पोस्ट टोटल पोस्ट 69 हो गई, और इसकी जो बैचलर और डिग्री मांगा हुआ है इसमें आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए बीकॉम के साथ, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए बैचलर ऑफ डिग्री इन कॉमर्स, या फिर नहीं तो बैचलर इन डिग्री स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री पास होना चाहिए 55%, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो रखी गई है इसकी, मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है दोस्तों, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन भी कुछ दिया हुआ है, जो कि हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या इसमें एज में छूट मिली हुई है किस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल है, ओबीसी है, एमसी है, ईडब्ल्यूएस है, सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, तो वो नोटिफिकेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक बार कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो जनरल वालों के लिए जो देख रहे हैं 17 सीटें हैं, और जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए 17 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 8 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 सीटें, और सॉरी एनसीबी के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 22 सीटें, और एसटी वालों के लिए 16 सीटें, टोटल मिला करके 69 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो एप्लीकेशन जो है, अप्लाई का लिंक नीचे में दिया हुआ है, आप यहाँ से हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी सैलरी कितनी रखी गई है, तो इसकी जो सैलरी है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23,700 रुपये इसका फिक्स है, ठीक है। यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 23,700 रुपये फिक्स है प्रति महीना, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो मेट्रिक पे स्केल जो है वो रुपये में कितना है, 33,800 से लेकर के 1,06,700 तक इसका देय होगा, ठीक है। जब आगे चल के जब आप ज्वाइनिंग के बाद जब आप बढ़ेगा तो पे स्केल जो होगा तो आपका इतना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा इसका, ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक बार यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन को, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वंचित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें, ठीक है। आप सभी जानकारी एकदम करेक्ट भरें, कोई सूचना गलत या अपूर्ण नहीं भरना है, आपको एकदम सही देना है, ताकि आपका बाद में कुछ नहीं हो, आपका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। नहीं तो आपको परीक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आप पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, आप देख लीजिए कि किस कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें बची हुई हैं। तो एसटी वालों के लिए 16 सीटें हैं, ठीक है, और 4 पोस्ट जो है रिजर्व है वुमेन के लिए, ठीक है, आउट ऑफ 1 पोस्ट अनरिजर्व फॉर विडो के लिए, ठीक है।
एसटी वालों के लिए 11 पोस्ट हैं, इसमें से 3 पोस्ट रिजर्व होंगी और वुमेन्स के लिए और 1 पोस्ट होगी विडो के लिए। टोटल पोस्ट 27 सीटें हैं, ठीक है। एससी एसटी को मिला करके 27 सीटें हैं वुमेन्स कैंडिडेट, जो कि 16 एससी में हैं और 11 आपका एसटी में, ठीक है। और एक बार कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो मैंने अभी बताया था वो सब वही है। जनरल वालों के लिए 17 सीटें, 4 पोस्ट वुमेन्स के लिए, एससी में 1 पोस्ट आपका वुमेन्स के लिए रिजर्व है, टोटल 6 सीटें हैं, और एसटी में 5 सीटें, 1 पोस्ट आपका वुमेन्स के लिए रिजर्व है। यानी कि देखिए हर एक में एक तो एक दो आपका वुमेन्स के लिए भी है इसमें, यानी कि 3 से 4% सीटें जो है वुमेन्स के लिए भी है। ओबीसी के लिए 2 सीटें रिजर्व है इसके अंदर 8 में से, एमबीसी के लिए 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं टोटल, तो 1 सीट इसका रिजर्व है वुमेन्स के लिए। टोटल मिला करके 42 सीटें हैं, ठीक है। ये आपका कैटेगरी वाइज हो गया, इतनी होंगी, ठीक है। ग्रैंड टोटल निकाला जाए तो ये देखिए यहाँ पर जिससे बताया हुआ, जनरल में 17, एससी में 22, एसटी में 16, ओबीसी में 8 और एमबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल मिलाकर के 69 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नोटिस नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा और बहुत देख लेते हैं, कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल इसमें कैटेगरीज के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, न्यूनतम मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या मांगा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन, ठीक है। नेशनलिटी क्या क्या चाहिए देखिए, और नेशनलिटी की में आपका सिटीजन इंडिया का होना ज़रूरी है, ठीक है। और अप्लाई वाले भी नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और भूटान वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइड कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज बिन गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के निवासी हैं, ठीक है। एज लिमिट वही रखी हुई है 18 से 40 साल, ठीक है। और ये आपका 1/1/2020 तक हो जाना चाहिए, आप 18 साल के कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन की जो बात की हुई थी, अपर यहाँ पे लिखा हुआ द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाई 5 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर ऑफ एससी कास्ट, ठीक है। एससी कास्ट के लिए 5 साल की छूट दी हुई है, यानी कि अगर 45 के भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल एसटी में भी है और बैक ओबीसी में भी, ये सारे ये तीनों कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। डिवोर्स वुमेन दिस विल बी नो एज लिमिट इन द केस ऑफ द विडो एंड डिवोर्स वुमेन कैंडिडेट, ठीक। तो इसमें देखिए डिवोर्स वाले जो वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है अगर किसी का डिवोर्स हुआ हो तो। अपर एज लिमिट ऑफ द रिजर्व नेमली द डिफेंस ऑफ द पर्सनल 50 ईयर, ठीक है। 50 साल के जो कि डिफेंस वगैरह में रह चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज 50 साल है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है आपके पास अगर आप इसमें जा रहे हैं गवर्नमेंट जो कि हाई कोर्ट का है, तो इसमें आप सेवा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कैरेक्टर के बारे में। सेवा में सीधी भर्ती के लिए वैश्विक क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें नियोजन के लिए अहित क्वालिफाई करे, उसे एक सच्चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस विद्यालय और महाविद्यालय से जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया था, ठीक है। तो जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है वहाँ से आपको बनवाना होगा, ठीक है। तारीख से 6 महीने से अधिक पूर्व लिखे हुए ना होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के अंटर में होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा शुल्क की जो बात की, जैसे कि मैंने बता दिया था फीस कितनी कितनी है, तो 650 रुपये जनरल वालों कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 550 रुपये राजस्थान के यानी पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिनल ओबीसी वालों के लिए है। दिव्यांग और जो विकलांग है उनके लिए 400 रुपये फीस है दोस्तों, ठीक है। रिफंड ऑफ प्रोसेस पे देखिए, परीक्षा शुल्क से वापस संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ना ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका रिफंड नहीं होगा इसमें, एक बार अप्लाई कर चुके हैं तो वो आपका पैसा रिफंड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाहें तो ही आप जा जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसका देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट आपको रिटर्न होगा, 8 मिनट ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उसमें आपका देखिए स्पीड ऑफ डिसेक्शन जो 90 मिनट पर मिनट, ठीक है, आपको 90 मिनट 90 वर्ड्स आपको पर मिनट में टाइप करने होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपके 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग एंड डेडिकेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, आपको एक डेडिकेटेड पैसेज दे दिया जाएगा 60 मिनट के लिए, वो उसका आपका टाइमिंग होगा, ठीक है, उसको 60 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ तो है नहीं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की जो समय सीमा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें इसका जो तो डेट दिया हुआ है 26/8 तक दिया हुआ है, 26/8 से शुरू हो जाएगा, 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि जो दे रखी है इसकी 16/9 दे रखी है दोस्तों, ठीक है। अंतिम तिथि जो दे रखी है इसकी 16/9 है, 16/9 तक आप
अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस जमा करने जो डेट दी हुई है ये 17/9 है, ठीक है। 17/9 तक आप फीस जमा कर सकते हैं रात के 12 बजे तक, ठीक है। परीक्षा का स्थान और तारीख और डेट क्या होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो होगा इसका जयपुर में होने की संभावना है। परीक्षा के माह व दिनांक से संबंधित सूचना तो समय पर प्रसारित की जाएगी। जब इसका एग्ज़ाम वो सेंटर वगैरह आएगा, कब इसका डेट वगैरह आएगा, वो आपको समय के अनुसार आपको पता दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आपके वेबसाइट पर ही आएगा, ठीक है, जहाँ पे अपलोड किया जाएगा, जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वहीं लॉगिन करके आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई भी गैजेट्स वगैरह लेकर के सेंटर पर नहीं जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आते हैं, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको कोई भी समस्या होती है आवेदन के दौरान या फिर परीक्षा संबंधित किसी किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 0291, ये इसका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर है इसका, ठीक है, ठीक है। ऑफिस आवर पर आप संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है आपको, ठीक है, जयपुर हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और ये फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, जो भी लोग इसकी जो प्रिपरेशन में हैं, जो भी हाई कोर्ट वगैरह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।